स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम AU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में BSc बायो का पार्ट टू समझाएंगे। इससे पहले हमने BSc बायो के लिए एक पार्ट बना दिया है, आप उसे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस समय हम BSc बायो में जो पढ़ रहे हैं वो है पोषण। पिछले वीडियो में हमने पोषण से रिलेटेड टॉपिक आपको समझाए थे और उससे कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। आज इस चैप्टर से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए पोषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं जो बहुत बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे भी गए हैं। सबसे पहला नंबर हमारा यहाँ क्वेश्चन जो दिख रहा है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है। जी हाँ, कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है। ऑप्शन ए B1, ऑप्शन बी B2, ऑप्शन बी ऑप्शन सी B6 एंड ऑप्शन डी B12। तो याद रखिएगा, B12 में जो है, विटामिन B12 में आपका क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, मल से दुर्गंध आने का कारण है। जो मल होता है, जो मनुष्य का मल होता है, उससे जो दुर्गंध आता है उसका क्या कारण है। ऑप्शन ए इंडोल एंड ऑप्शन बी स्केटॉल, ऑप्शन सी फिनॉल एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, यहां पर फिनॉल एवं हाइड्रोजन सल्फाइड मल से दुर्गंध आने का प्रमुख कारण है। नंबर नेक्स्ट, पालक की पत्तियां स्रोत होती हैं। जी हां, पालक की पत्तियां स्रोत होती हैं किसका, विटामिन ए का, विटामिन डी का, लौह का या फिर कैरिटोन का। तो याद रखिएगा, पालक में लौह पाया जाता है तभी जब खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं भैया पालक खाना स्टार्ट कर दो। ठीक, आप इतना तो जानते ही होंगे। नेक्स्ट नंबर, किस विटामिन का निर्माण त्वचा में होता है। जी हाँ, किस विटामिन का निर्माण त्वचा में होता है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B12। तो याद रखिएगा, जो विटामिन डी है इसका निर्माण त्वचा में होता है। नेक्स्ट नंबर हमारा जो है, सबसे मीठी शर्करा है। आपका यहां पर सबसे मीठी शर्करा समझना है, सुक्रोस फ्रक्टोस ग्लूकोस लैक्टोस। तो आपका उत्तर जो है वो लैक्टोस होगा। नंबर नेक्स्ट हमारा है, एक शराबी व्यक्ति में किसकी कमी हो जाती है। जो आपका शराबी व्यक्ति है उसमें किस चीज की कमी हो जाती है, ये यहां पर हमें समझना है। विटामिन B5 की कमी होती है कि विटामिन ई की कमी होती है, विटामिन सी की कमी होती है या फिर विटामिन डी की कमी होती है। तो याद रखिएगा, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो विटामिन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अब हमारा तो हमारा सातवां प्रश्न है, विटामिन सी किस में सहायक होता है। अस्थियों की वृद्धि में या अरक्तता की पूर्ति में, घावों को भरने में या फिर हमारा दृष्टि रंजक का संश्लेषण करने में। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन विटामिन सी किसमें सहायक होता है इसके लिए सही है। तो आप जानते हैं विटामिन सी का जो स्रोत होता है वो जैसे स्कर्वी रोग होता है उसके लिए, मतलब इसी कमी से होता है। स्कर्वी रोग में हमारे होठों में घाव बन जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो है ये घावों को भरने में सहायक होता है। आठवां प्रश्न हमारा है, निम्न में से पॉलीसेकराइड नहीं है।
तो सबसे पहले पॉलीसैकेराइड आप ध्यान दीजिए, पॉलीसैकेराइड उन कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है जो जल अपघटन पर लगभग चार या चार से अधिक सरल सैकेराइड को मतलब देते हैं, मतलब सरल मोनोसैकेराइड देते हैं। तो जो मतलब चार या चार से अधिक मतलब सरल मोनोसैकेराइड जल अपघटन पर देते हैं, या फिर आप कहिए जो कई सरल मोनोसैकेराइडों के जुड़ने से बनते हैं वो आपके पॉलीसैकेराइड होते हैं। इसमें सेलुलोस भी है, ग्लाइकोजन भी है, स्टार्च भी है, सुक्रोस नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा विटामिन मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है? यहाँ पर हमारा अगला जो क्वेश्चन है इसमें बताया जा रहा है कि कौन सा विटामिन मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। तो हमारे सामने चार ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी एंड विटामिन B12। तो आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो विटामिन B12 है ये मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। नंबर नेक्स्ट, शर्करा के उपापचय में महत्वपूर्ण हार्मोन उत्पन्न होता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो शर्करा के उपापचय में महत्वपूर्ण हार्मोन्स को मतलब कि उत्पन्न करता, तो कौन उत्पन्न करता है? यकृत, थायराइड, पीयूष ग्रंथि, आग्न्याशय, कौन इसमें से इसके लिए सही होगा? तो ध्यान दीजिएगा, आग्न्याशय इसके लिए क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।